नमस्ते सभी मैं को। जी ठीक, तो हम लोग अभ्यास एक कर रहे हैं अभी। अभ्यास एक में स्टेप वन में हम अभी अपनी कल्पनाशीलता को देखने का और उसमें मुख्य रूप से अपने भाव को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये अपने को दिखता है कि भाव से ही विचार तैयार होते हैं और विचार से ही हमारा व्यवहार कार्य तय होता है। इसलिए अपने भाव के प्रति स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। और भाव को देखने में कई बार हमें कठिनाइयां आती हैं, तो उन कठिनाइयों पर हम लोग बात कर रहे थे। और ये कुछ इश्यूज हैं जो आप सबकी शेयरिंग से लिखे गए हैं। जैसे एक सामान्य समस्या है कि हम शरीर के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, तो चूंकि अभी हमारा अभ्यास आस्वादन का है, शरीर के माध्यम से आस्वादन का है, तो हमें लगता है कि मैं को भी हम वैसे ही कुछ देख पाएंगे। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विधियों से तो मैं की स्पष्टता नहीं होगी, भाव की स्पष्टता नहीं होगी, क्योंकि मैं चैतन्य इकाई हूँ, है ना, भाव चैतन्य है। तो इन विधियों से जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो वो ऐसा नहीं दिखता। तो कई बार हम सोचते हैं कि इसका कोई रूप, रंग आदि होगा, उस रूप में हम देख पाएंगे। तो सीधा सीधा कल्पनाशीलता को देखना है, इसके निर्णय को बनाए रखना है, संवेदना के माध्यम से नहीं देखना है। जी नेक्स्ट लगाइए भैया। फिर कई बार भाव स्पष्ट नहीं होता तो हम अपने विचार को देख सकते हैं और विचार से फिर अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाव क्या है। जैसे यदि प्रतिस्पर्धा का विचार हो रहा है तो कोई विरोध का भाव है, स्नेह का भाव तो नहीं है, है ना। पोषण का विचार हो रहा है तो स्नेह का भाव है, ममता का भाव है, ऐसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो कई बार हम जब देखना शुरू करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से भाव नहीं दिखता, हो सकता है विचार दिखता है। कई साथियों की ये भी स्थिति हो सकती है कि विचार भी अभी निश्चित से दिख रहा है। तो कल्पनाशीलता के जो बिंदु हैं उनको देख सकते हैं, किन मुद्दों पे ध्यान जा रहा है हमारा, उसके मैंने कई उदाहरण लिए थे, तो वहां से देखना शुरू करें। इनफैक्ट जब आप अपने साथ होकर देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि शुरू में तो कुछ बिंदु ही दिखाई देंगे, किसी मुद्दे पे ध्यान गया, घर का कोई काम है, कॉलेज का कोई काम है, स्वास्थ्य का कोई मुद्दा है, संबंध का कोई मुद्दा है, वहां से ध्यान जाना शुरू होगा, फिर उस पर विचार आपको दिखना शुरू होगा। फिर विचार के पीछे जो भाव है उसको आप देखने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर ना दिखाई दे तो उसमें ही परेशान नहीं होना है, उसमें प्रयोजन को आप देख लें कि जो मैं विचार कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। इस क्यों प्रश्न के उत्तर से आपको भाव स्पष्ट होने लगेगा। जैसे कॉलेज का कोई काम है उसको लेकर आप विचार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो किसी कार्य के प्रति जिम्मेदारी का भाव है इसलिए कर रहे हैं। उसी में अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ अनबन दिखाई दे रहा है विचारों में ही, तो वहां पे ऐसा देख सकते हैं कि संबंध का भाव है, विरोध का भाव है। तो इस तरह से हम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, क्यों प्रश्न का उत्तर लेकर हम उस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, भाव को देख सकते हैं। जी भैया नेक्स्ट स्लाइड। ऐसा लगता है कि मेरी कल्पनाशीलता केवल कभी कभी चलती है, हमेशा नहीं, तो इसे भी चेक कर लें, क्योंकि तो कभी कभी देख पा रहे हैं या कभी कभी कल्पनाशीलता चल रही है, दोनों में अंतर है। तो ऐसा हो सकता है कि हमारी सजगता कभी बनती है कभी नहीं बनती, है ना, बट भाव तो हमेशा बना रहता है, विचार कोई ना कोई हमेशा चलता रहता है। जी नेक्स्ट पेज। कल्पनाशीलता को देखने का प्रयास करते हैं तो सिर में दर्द होने लगता है या नींद आने लगती है, ऐसा क्यों होता है। तो ये हो सकता है कि हम जबरदस्ती ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं, अपने ऊपर कोई दबाव बना रहे हैं, और उसको भी भाव या विचार को देखने के बजाय हम, ऐसा हो सकता है कि उसको किसी संवेदना के रूप में आस्वादन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम शरीर पे कई बार दबाव बनाते हैं, कई बार जोर लगाते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। ये भी हो सकता है कि अपनी कल्पनाशीलता को देखने में आपको भी सुख नहीं मिल रहा, तनाव उत्पन्न हो रहा है ना, ऐसा कोई मुद्दा ध्यान में आ गया जिसमें उलझन है, परेशानी है, द्वंद है, निष्कर्ष नहीं निकला है ना, या जो निष्कर्ष निकला है वो सुखद नहीं है और इसका स्वादन से हम परेशान हो रहे हैं, तो भी सर भारी हो सकता है, परेशान हो सकते हैं। तो इतना ही अपने को करना है कि अपनी कल्पनाशीलता के प्रति हम सजग रहने, और उसमें कोई प्रतिक्रिया ना करें, ध्यान इधर उधर भी जाता तो कोई प्रतिक्रिया ना करें। और शरीर के माध्यम से तो देखने का प्रयास व्यर्थ है, तो आंखों से या शरीर के माध्यम से देखने के प्रयास करने की जरूरत नहीं है।
बस इतना सजग रहे कि ये मेरी आवश्यकता है। जब मुझे ये दिखाई देता है कि ये जो मैं अभ्यास कर रहा हूँ ये मेरी आवश्यकता है, तो मेरे सुख का रास्ता इधर यहाँ से ही निकलता है। यदि मैं इन बातों पर स्पष्ट नहीं हूँ तो जो मेरी मूल चाहना है कि मैं सुखपूर्वक जी पाऊँ वो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। अभी जो अन्यत्र में प्रयास कर रहा हूँ सुख को बाहर से पाने के लिए, वो सारे माध्यम जो है उसमें कोई ना तो निश्चितता है ना निरंतरता है, बल्कि बाहर की ओर निर्भरता है। परंतु ये जो विधि है जिसमें मैं अपने भाव को सीधा सीधा देख पाऊं और भाव में परिमार्जन कर पाऊं, ये निश्चित विधि है। इससे मैं स्वतंत्र हो पाऊंगा, इसमें सुख का स्रोत मेरे स्वयं में बना रह पाएगा। ये बात हमको जितना स्पष्ट होगा, विचार में भी स्पष्ट होगा, भाव में भी स्पष्ट होगा, उतना ये बाहर की चीजों से जो हम जकड़े हुए हैं उससे हम बाहर निकल पाएंगे, है ना। ये बाहर की चीजें हमें नहीं बांधती हैं, हम जाकर खुद उनसे बंधते हैं पुराने अभ्यासवश। तो हमको एक बार दिखाई दे कि ये निरंतर सुख के स्रोत नहीं हो सकते, तो हमारी प्रायोरिटी खुद ही बनने लगती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी मुद्दे पे आप उलझन में चले जाए, परेशान हो जाए, है ना। तो उसमें भी बहुत जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। अगर सामूहिक रूप से आप उठ के बैठना चाहें, उठना चाहें, टहलना चाहें, वो भी कर लीजिए, ठीक है ना। परंतु ये तो दिखाई दे जाएगा आपको कि ये कोई ऐसी परेशानी है जो मेरे अंदर बनी हुई है और इसका रिजॉल्व होना जरूरी है। तो सामूहिक रूप से कभी परेशान हो सकते हैं ज्यादा, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर उस स्थिति में नींद आ जाए तो सो भी ले, है ना। अगर किसी मुद्दे पर ध्यान गया और ऐसी स्थिति बन गई, सो ले। परंतु ये तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कुछ मुद्दे फंसे हुए हैं जहां से मुझे निकलना जरूरी है, और उसको उससे अवॉइड करने से, उसे बचने से कोई उपकार नहीं है, बल्कि वहां सावधानित होना जरूरी है। तो उस पर ठीक से इंटेंसिटी से काम करेंगे। किसी पुरानी बीती हुई घटना का कोई दुख है, कोई परेशानी है, या किसी व्यक्ति के साथ संघर्ष चल रहा है, या भविष्य की कोई चिंता है, भय है ना, इस सब मुद्दों पे भी ध्यान जा सकता है। उसमें आप परेशान हो सकते हैं, तो वहां रिजॉल्व होना जरूरी है। ये तो आपको दिखाई दे, उससे बच के निकलने में कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि वो जब भी आप अपनी ओर ध्यान देंगे वो मुद्दे लौट लौट कर आएंगे। इसका मतलब संस्कार रूप में कुछ ऐसा बैठा हुआ है जिस पे आप समाधानित नहीं है, कोई ऐसी मान्यता बनी हुई है जो आपको परेशान करती है, वो बीज रूप में काम कर रहा है कि नहीं। हेलो, जी आवाज जा रही भैया? जी आ रही है। हाँ नमस्ते भैया। ये नमस्ते। जो आप बता रहे हैं इससे तो थोड़ा इरिलेवेंट क्वेश्चन है मेरा। मतलब मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों थोड़ा संघर्ष चल रहा है इस तरीके का कि जैसे अभी आप कह रहे हो कि आप परेशान रहोगे, कि लग तो रहा है कि ये हम बाहर से प्रभावित हैं और सारी वही चीजें कर रहे हैं और ये ठीक नहीं है, पर फिर भी उस ट्रांसफॉर्मेशन फेज में नहीं है और परेशान होते रहते हैं। साथ में जो मान्यताएं हैं, जो परिवार में हम लोग सब रहते हैं, तो जैसे कि पैसे बगैर कुछ नहीं हो सकता, और अगर बहुत कमा रहे हैं दिन रात तो फिर मोबाइल पे मोबाइल बदलते हैं और फिर कहते हैं और पैसे का करेंगे ही क्या फिर, या फिर थोड़ा फ्री है तो या तो मनोरंजन में टीवी में घुसते हैं या फिर सो जाते हैं। मतलब मेरे को ये लग रहा है अपने ही घर में मैं इतना परेशान सबको देख के, मैं खुद तो बहुत कम टीवी मोबाइल पर रहती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है सबको देख के कि कितना अच्छा दिमाग है, इतनी हायर डिग्री मतलब इतनी पढ़ाई करके अपने काम कर रहे हैं दिन रात काम सुबह से रात तक, और क्रिएटिविटी जो है कल्पनाशीलता में जाना ही नहीं चाहते। इवन कल क्या कुछ होना है घर में काम, या आज शाम को, या परिवार में इतने लोग हैं, कोई किसी का नहीं ध्यान नहीं, अपना कमाना पैसा, और फिर एक चीज मनमानी पैसा, इतनी कि जो चीजें खरीद लो बस उसको वस्तुओं में ध्यान जाता है, खरीद लो या टीवी देख लो, मोबाइल देख लो या सो जाओ। तो ये चीजें जब अपने परिवार में अपन चार लोगों को करते देखते हैं और बस यही कि पैसा कमाना है और उसको बेदर्दी से उड़ाना है, तो आवश्यकताओं की जो है उसको कोई कैलकुलेट करके नहीं देखता कि हमको कितना चाहिए, अंधा बन के बिल्कुल। और सभी इसी तरह की बात करते हैं जितने लोग आसपास हैं बाहर हैं, वो बस पैसा कमाना और उसको बेदर्दी से उड़ाना और फिर किसी के लिए समय नहीं होना। तो ये कैसा मतलब चल रहा है चीजें, और मोबाइल की वजह से तो सबसे ज्यादा परेशानी है। मुझे बड़ा डर और फियर और बस वो वैसी चीजें घुस जाती कि
हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जी, तो खुद पे भी ध्यान जाता है कि हम तो सुधारे, अपन तो करे, लेकिन वो देखते हैं उसमें चले आते हैं, फिर वो अवसाद में चले आते हैं और दिमाग खराब होने लगता है। रहते तो सब साथ में ही है, दिखती है, बात होती है, और कभी कोई अच्छी चीज बात भी होती है तो कोई सुनना नहीं चाहता, कि सब अपनी अपनी अच्छी बात करो, सबकी अलग अलग है, तो वो बड़ा मामला गड़बड़ा जाता है। फिर मेरा अपनी तरफ ही रहता है कि नहीं मैं अपना ही देख लूं, क्यों देखूं, पर वो आ ही जाता है, ऐसा होता नहीं कि हम हट जाए। और फिर और ज्यादा होने लगता है जहां हम इस तरह की पढ़ाई करते हैं और वो बाहर अपने ही परिवार में आसपास दिखता है, तो और दिमाग थोड़ा ज्यादा खराब होता है। ऐसा अभी मैं महसूस कर रही हूँ, हालांकि मुझे ये चीजें ही बहुत अच्छी लगती, जो मैं अब वो अपने ऊपर काम थोड़ा सा शुरू किया है, बहुत तो नहीं, ये भी लगता है क्या सुनना ही अच्छा लग रहा है कि मैं उसको फॉलो बहुत कर रही हूँ, ये भी क्वेश्चन रहता है मेरे ऊपर कि कर पा रही हूँ, अभी तो नहीं इतना शुरू किया ऐसा भी। जी, एक तो आपकी सिंसियरिटी है दीदी, कि आप इतनी सिंसियरिटी से अपने ऊपर भी ध्यान दे रही हैं और आपको बाहर की समस्याएं भी स्पष्ट हो रही हैं। और ये भी है कि अगर इसे परेशान हो रही हैं तो उसमें एक संबंध का भाव तो है, इसके कारण आप परेशान हो रही हैं, परंतु उसमें फिर हमको समाधान भी देखना होगा। तो आप हाँ देखिए कि परिवार में कौन ऐसे लोग हैं जिनका संस्कार इतना पुष्ट है जो इस बात की ओर ध्यान दे सकते हैं, समझ पे उनका ध्यान जा सकता है, वहां से शुरू करें। अवसर धीरे धीरे निकलने लगते हैं। और हमारे संबंधों का, परिवार का अपना एक इतिहास होता है, तो जिस तरह से सुविधा को लेकर दृष्टि बन गई है, उसको लेकर लोग ने सुविधा का उपार्जन किया है, संग्रह करते चले गए हैं, और उस संग्रह में तृप्ति बिंदु भी नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए अपने मनोरंजन के लिए ना समय काटने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो अपने को समस्या तो दिखाई दे रही है, उसका समाधान तो यही है कि लोगों के अंदर सही समझ, सही भावना शुरू हो। तो उसमें जो व्यक्ति ऐसे लगते हैं परिवार में जिनमें कुछ ऐसा संस्कार है जो ध्यान दे सकते हैं, वहां से काम शुरू करें, है ना। कहाँ रहते हैं आप मैं मंदसौर में रहती हूँ, रतलाम के पास। जी? तो देखें, और आप ये भी इस चीज को भी ध्यान दीजिए कि आपके परिवार की सीमा वही 4-6 लोग नहीं है, है ना, पूरा विश्व ही आपका परिवार है। तो आपके पास जो उपलब्ध समय है उसको आप समाज के गति में लगाएं, समाज के विकास में लगाएं। अभी बहुत सारा काम है वॉलंटियरिंग के लिए, उसमें आप भागीदारी कर सकती हैं, है ना। और साथ में परिवार का जब भी ध्यान आकर्षण करने का अवसर मिले तो उनका ध्यान आकर्षण कराएं। जैसे ये कहते हैं कि होलनेस पाने के लिए, पूर्णता पाने के लिए सबकी अलग अलग ये, मतलब सबका अपना अपना समय आता है। पूर्णता तो खैर बहुत बड़ी बात है, जो मतलब समझ की दृष्टि में किसी की समझ बहुत जल्दी आ जाती, किसी की देर से आती, किसी की आती नहीं, मतलब समझ को बढ़ाने की बात है रहने जीने के लिए। तो पर अगर हम परिवार के लेवल में देखें और किसी को थोड़ा समझ में आ रहा हो, किसी को बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो दोनों अलग अलग पेस पे चलेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे तो कभी भी कोई भी नहीं आ पाएगा, तो ये हाँ, ठीक कॉन्फ्लिक्ट तो बने ही बात रहेंगे। है। देखिए, डिफरेंसेस रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कोई जरूरी नहीं है। तो हम सबका डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस होता है, परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, तो डिफरेंसेस तो रहते हैं, है ना। बट उसके कारण कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जरूरी नहीं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कॉम्प्लीमेंटैरिटी भी हो सकती है। नहीं, पर इसके लिए वेट तो नहीं किया जा सकता कि उसकी समझ आएगी तब हम उसके बरोबर जाए या उसको बनाए अपने लिए, या ऐसा, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता मुझे तो लगता है। और सबका अलग अलग है, भले कोई पढ़ाई कितनी कर ली हो, डिग्री कितनी ले ली हो, लेकिन इस तरह की समझ पे जो इमोशनल लेवल पे लेके आना एक दूसरे को, एक जब हम ट्रूथ की बात कर रहे हैं, अस्तित्व की बात करें, जो है उस पर बात कर रहे हैं, तो वो तो सबको दिखता है, पर वो समझने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं उस तरह की चीजों पे। सबकी अपनी अपनी वो जो नजरिया है वो ही अपना बना रखा है, पैसे ही सब कुछ है, और इतना पक्का बना रखा है, इसका कोई हिसाब ही नहीं। कोई एक बेड के एक पे आवश्यकताओं की कोई वो नहीं कर सकता उस पैसे को, या तो आप फिर बहुत बुरी तरह से वो इधर उधर होता है, कोई सेंस ही नहीं। मतलब वो मैं सोचती हूँ कि बैठ के इसको ही कैलकुलेट कर लिया जाए तो उतना भी समय किसी पास नहीं कि हमको कितना चाहिए। जी, देखिए, तो परिवार के विषय में हम लोगों ने जो 3 मुद्दों पे बात किया था, कि एक तो परिवार की जो स्थिति है हम उसको स्वीकारते हैं, है ना, क्योंकि उसके साथ अभी हमारा जिस प्रकार से जीना हुआ है उसमें
हमारी भी भागीदारी रही है और परिवार की ऐसी स्थिति बन गई उसको एक हाँ, हम वो स्वीकारते मानते हैं हैं कि अपनी भी भागीदारी। जी। दूसरा कि आज के दिन परिवार के सदस्यों के साथ मेरी क्या भागीदारी हो सकती है जिससे उनका सही की ओर ध्यान चला जाए, उस पर काम करते हैं है ना। तो परिवार में सभा कर सकते हैं, परिवार में बैठकर डिस्कशन कर सकते हैं, उसमें आप देख लें जितनी संभावना लगती है। और अच्छी बात तो यह है कि मीडिया में हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा न्यूज आता ही रहता है कि किसी के पास बहुत सारा धन था है ना, ताकत था, और उसकी दुर्दशा हो गई। तो ये लोग तो इसी रूप में देख ही पाते हैं कि पैसा ही सब कुछ है ऐसा नहीं है ना, पावर ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। कि न्यूज में तो कुछ ना कुछ दुर्दशा के न्यूज आते ही रहते हैं, तो उससे भी लोगों का भ्रम टूटता रहता है। तो जब भी कभी बात हो तो ध्यान आकर्षण करा सकते हैं। नहीं, तो फिर कहते मुझे हैं कि कई बार ये परिवार भी में लगता है कि अपन ऐसा कहते हैं तो कोई एग्री भी करते हैं, चलो हैप्पीनेस पैसे से नहीं है, पर फिर बोले समय कहाँ पास करे, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, बोले अच्छा लग रहा है, बस पैसा कमाना ही अच्छा लग रहा है। तो उस तरह से भी उस चीजों को हर आदमी जस्टिफाई करता है कि हाँ यही हमको अच्छा लग रहा है, इसके अलावा हमारे को कुछ जमता नहीं है। तो हाँ ये ठीक भी है इस तरह की भी बात होती है कि उस तरह के नशे में इंडल, मेरे को लगता है कभी पैसा वहां से नहीं मिले तो शायद ध्यान हटे, लेकिन वो पैसा ही मोटिवेशन है और उसको कह रखा कि इसी में मजा आ रहा है, ऐसा भी हो जाता। अभी मजा आ रहा है, ठीक बात है। उनको देख लें कि मजा कंटिन्यूअस आ रहा है या कभी कभी आ रहा है ना। और उसको उनसे ये भी बात कर लें कि अभी जो आपके लाइफ में समस्या है वो सुविधा के अभाव में ज्यादा है या संबंध के अभाव में ज्यादा है। आप जिनके साथ मिलकर पैसा कमा रहे हैं वहां पे भी जो समस्याएं हैं, समस्याएं तो होंगी, वो पैसे कमी कारण ज्यादा है या संबंधों में कमी कारण ज्यादा है। तो एक तो ये जो दूसरी बात मैंने कही कि परिवार के साथ बैठ के चर्चा की जाए, इसमें हमारा हाँ समर्थन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जो भी इश्यूज रेज करते हैं, जो भी प्रश्न उठाते हैं, जो भी कमेंट करते हैं है ना, उस पर हमारे अंदर समाधान है कि नहीं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर है। तो परिवार में जो प्रतिकूलता होती है उसे भी एक अवसर के रूप में देखना अच्छा है। अगर आप उसे अवसर के रूप में देखते हैं तो जो उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न है, जो मुद्दे हैं, उस पर जब गंभीरता से विचार करते हैं तो आप खुद में भी समाधानित होते हैं है ना। हमारे अंदर जेन्युइन प्रश्न खड़े होते हैं, जेन्युइन रिस्पॉन्सेज निकाल के ला पाते हैं, अपने आप में एक्सप्लोर कर पाते हैं, वेरीफाई कर पाते हैं, वैलिडेट कर पाते हैं। और तीसरी बात है कि परिवार को थोड़ा फैल कर देखने की जरूरत है। तो आपके पास जो समय है कम से कम उसका तो हम सदुपयोग करेंगे। तो अभी इतना सारा जो काम चल रहा है देश भर में चल रहा है ना, आने वाले समय में दुनिया भर में चलेगा, उसमें हम वॉलंटियरिंग का काम कर सकते हैं कि नहीं। आज के दिन टेक्निकल हाँ एजुकेशन भैया, में इतना सारा काम हो रहा है, हायर एजुकेशन में काम शुरू होना है, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में काम शुरू होना है, तो उसके लिए आप समय लगाना शुरू करें। और आपके जीने में जो परिमार्जन होगा उससे दूसरे भी प्रेरित होंगे कि समय लगाने का ये भी एक तरीका है। कई बार हाँ, मैंने देखा समय है कि समय इसी में ज्यादा लगाने का सही वो है कि इसमें लगाया जाए भिड़ के और फिर उस पर काम ही किया जाए। अब परिवार में नहीं अगर मिल पाता है तो बाहर किया जाए, ये एक सही चीज है। जी। और कई बार परिवार के लोग जो है आपके शब्दों से आपकी बातों की ओर ध्यान नहीं देते, परंतु आपके कार्य व्यवहार को जो बाहर स्वीकृति मिलती है ना, जो आश्वस्ति बनती है आपके प्रति, उससे भी लोगों का ध्यान आकर्षण होता है, जो पैसे से नहीं हो सकता, ठीक है ना। बढ़िया हाँ, थैंक बढ़िया यू भैया दीदी जी। जी। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया एक कल वीडियो एडिट मैं कर रहा था तो एक उसको एडिट करते एक विचार आया, उस पर एक प्रश्न बन रहा है, वो आपसे स्पष्टता चाहता हूँ। या जी जो मैं जब उसमें एक ऊपर नीचे लकीर टाइप का आता है तो जब साउंड्स होता है तो ऊपर एक लकीर जाती है तो उससे पता चलता है यहाँ पर कुछ बोला गया है, और जहाँ पर एकदम लकीरें नहीं होती हैं वीडियो के नीचे तो वहाँ पर ऐसा दिखता है कि कुछ बोला नहीं गया, मतलब आवाज नहीं आ रही है। तो ऐसा भैया विचारों में भी अपने है कि दो विचार को मैंने जब ऑब्जर्व किया तो उसके बीच में जो है, आप बोल रहे थे कि उनके बीच में भी आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो, लेकिन विचार तो है, लेकिन मैं जूम आउट करते जब जाऊंगा तो हो सकता है कि दो विचारों के बीच में भी कुछ है, समय अंतराल हो, तो ऐसा भैया है क्या ये भैया, मैं स्पष्ट प्रदान करना हाँ, चाहता दो था। विचारों में समय अंतराल हो सकता है, बट वहां पे देखें तो कोई क्रिया तो चल ही रही है, भाव कोई बना हुआ है, एक विचार जी से जी दूसरे विचार पे शिफ्ट हो रहे हैं, बट भाव वहां कुछ बना हुआ है ना। कोई विश्लेषण की क्रिया चल रही है, तभी तो आप एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर शिफ्ट हुए, कोई जी तुलन जी तो चल ही रहा है कि नहीं। भैया जी 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 जी।
ठीक बात है, यानी कि एक भाव निश्चित रूप से बना हुआ है और उस हिसाब से मैं विचारों को देख रहा हूँ तो उसके बीच में अंतराल हो सकता है, लेकिन मैं उस भाव के हिसाब से देख रहा हूँ। हाँ, और एक विचार से दूसरे विचार पे जो आप गए तो किसी विश्लेषण पूर्वक ही तो गए, जी 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 कोई तुलन भी किया कि अब ये मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है, पिछले मुद्दे को हमने ड्रॉप किया, अब ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, या पिछले मुद्दे पे हम समाधानित हो गए, अब नए मुद्दे पे काम करते हैं। ये सारा क्रिया तो चल ही रहा है ना, तभी तो हो रहा है। यानी भैया इसे जूम आउट करते जाएंगे तो हो सकता है कि इसके बीच में भी एक आए संस्कार, जो उसके ऊपर बोल रहे हैं तो संस्कार के हिसाब से भाव बना हुआ है, फिर उसको जूम आउट किए तो ऐसे ऐसे ऊपर की क्रियाएं फिर उस हिसाब से भाव के आधार में संस्कार दिखाई देगा कि भाव भी ऐसा क्यों बना हुआ है। जी जी यानी जी हमने कुछ माना हुआ है इकाई के बारे में, शून्य के बारे में कुछ माना हुआ है, मानव के बारे में, शेष प्रकृति के बारे में कुछ माना हुआ है, वहां हमको अपना संस्कार दिखाई देगा। ठीक बात है भैया, जी ठीक जी भैया, बढ़िया भैया, नमस्ते भैया, नमस्ते भैया, नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया कल मैंने मतलब मेरे कॉलेज में ना इवेंट था तो वो मुझे कराना था, तो मैंने कल जब मैं बैठ के मतलब ऑब्जर्व कर रही थी तो मेरे अंदर ये फीलिंग आई जैसे अगर ये काम, अगर ये इवेंट मुझे पहले कराना होता तो मेरे अंदर क्या थी एक एक एंजाइटी सी हो जाती थी कि मैं कैसे करूंगी, कैसे होगा, कैसे काम होगा, मतलब बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में ऐसे चलती रहती थी और मैं रेस्टलेस हो जाती थी और ऐसे रात में भी जैसे अच्छे से सो नहीं पाती थी। लेकिन इस बार जब मतलब जैसे इवेंट कराना था तो मतलब उस तरह की कोई एंजाइटी नहीं थी। इसको मैंने कल ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया कि मतलब वो चीज मेरे अंदर अब थोड़ी सी चेंज हुई है कि मुझे ऐसे मतलब फीलिंग जो है उस चीज की कि हाँ ये चीज करानी है तो मतलब मुझे कराना है, एक डेफिनेटनेस है कि हाँ मैं करा सकती हूँ। तो ये मैंने अपने अंदर चेंज ऑब्जर्वेशन में ये चीज मैंने अपने अंदर पाई है। तो मैं काफी काम थी कि मतलब नहीं मुझे कराना है, फिर रात में भी मैं आराम से मतलब सोई भी थी, फिर ऑब्जर्व करने पे मैंने एनालाइज किया कि आखिर ऐसे होता क्यों है कि मतलब एक एक टाइम ऐसा होता है कि जब हमें कुछ दिया जाता है करने के लिए तो हम उस चीज के मतलब उसके लिए जो है मतलब इतनी रेस्टलेसनेस क्यों हो जाती है, और अब जो है वो चीज खत्म हो गई और वो काम भी अच्छे से हो गया। तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी अपने अंदर, मतलब जब मैं बैठी 10 मिनट 15 मिनट तो इस चीज को मैंने एनालाइज किया अपने उसमें। बहुत बढ़िया जी, उपलब्धि की बात है कि जिन बातों पे हम व्याकुल हो जाते थे अब उसमें हम आराम में रह पा रहे हैं। हाँ हाँ भैया, मतलब पहले ये था कि जैसे कि आपको ये काम करना है, आपको यहाँ जाना है, तो मेरे अंदर ना वो आ जाती थी कि मतलब कैसे मैं ये कर पाऊंगी, कैसे हो पाएगा, मतलब वो उसी उसी थॉट्स में मैं चली जाती थी। फिर वो कोई और कुछ कहता था तो मेरे अंदर वो आ जाता था कि नहीं मुझे अभी ये करना है, ऐसे करना है, क्या करना है, मतलब घबरा सी जाती थी। लेकिन अब वो चीज थोड़ी मतलब बहुत ही कम हुई है, थोड़ी नहीं मतलब काफी हद तक, अगर 100% बोले तो 90-95% मैंने उस चीज को वो किया हुआ है कि मैं अब काम रह सकूंगी, अगर कुछ काम मिले तो मैं उसको आराम से देख के, कमियां तो फिर भी रह जाती है करने में पर फिर भी ये है कि मतलब काम रहती हूँ मैं, मतलब घबराती नहीं हूँ। बारीकी से कि पहले क्या भाव बनता था अभी क्या भाव है, तो कुछ संभावना ये भी हो सकती है कि हम किसी प्रकार से अपने आप को कुछ मान कर भी आराम में रह लेते हैं, है ना। हाँ, अगर ऐसा है तो उसको भी थोड़ा सा काम करेंगे उसके ऊपर कि मान कर नहीं करना है बल्कि समझ के करना है, वहाँ निश्चित भाव के साथ करना है। तो क्या होता है कई बार हम कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो उसके फल परिणाम से सुखी दुखी होते रहते हैं कि सफल हो गया तो सुखी हुए, कुछ कठिनाई हो गई तो दुखी हुए। अब हम फल परिणाम से सुखी दुखी नहीं होते, अपने भाव से ही हम सुखी दुखी होते हैं। तो हमारे भाव ठीक है, सबके प्रति जिम्मेदारी का भाव है, कुछ कम ज्यादा हो सकता है, है ना। और ये बात हमें जब स्पष्ट होता है तो हम जो अपनी टीम है उसको भी स्पष्ट करा पाते हैं और जो पार्टिसिपेंट उनको भी स्पष्ट करा पाते हैं कि ठीक है कुछ अगर बिगड़ गया तो ठीक कर लेंगे। तो सिर्फ एक घटना की बात नहीं होगी, फिर ये हर एक घटना में ये चीज दिखाई देगी। अल्टीमेटली मेरी जिम्मेदारी मेरी भागीदारी की अर्थी है, तो मेरी भागीदारी सही भाव के साथ हो, संबंध के भाव के साथ, व्यवस्था के भाव के साथ, उसके लिए हम हमेशा क्रियाशील रहते हैं।
फल परिणाम में तो बहुत सारी चीजों का योग संयोग है, जैसे आपने बहुत मेहनत से आयोजन किया बट हो सकता है कि कोई चीज डिलीवर होनी थी टाइम पे वो नहीं हुई, तो हो ही सकता है। हम इससे परेशान नहीं होंगे, हम इसलिए पहले नहीं भैया एक चीज है जैसे आपने डिफिनेटनेस बोली ना, तो पहले ये था कि मैं वो निश्चित नहीं वो नहीं हो पाती थी, मतलब डिफिनेटनेस नहीं आ पाता था मेरे अंदर, पर जब इस बार मैंने कराया तो मेरे अंदर वो एक चीज थी कि डिफिनेटनेस थी कि हाँ हो जाएगा हम कर लेंगे ये चीज, इस तरह के फीलिंग्स थी मेरे अंदर, तो हो सकता है कि इस वजह से मैं थोड़ी काम रही हूँ। जी जी बढ़िया दीदी, धन्यवाद भैया। इससे ना काफी मुझे मतलब मैं तो अपने अंदर मतलब जब से और मॉर्निंग सेशन से तो काफी हेल्प मिल रही है भैया मुझे अपने अंदर चेंजेस देखने के लिए। जी आप काफी रेगुलरली अटेंड कर रही हैं? भैया मैं डेली अटेंड करती हूँ, इंग्लिश वाला भी करती हूँ और हिंदी वाला भी करती हूँ भैया। बहुत बढ़िया दीदी, आप हरियाणा में है? हाँ जी भैया। NWR की जो टीम है वॉलंटियरिंग के लिए, उसमें आप कुछ कर पा रही हैं? हाँ मैं उसमें हूँ भैया, मैं पहले से ही हूँ, जब मैंने UHV2 किया था तो उसके बाद से मैं वॉलंटियरिंग भी कर रही हूँ भैया, तो अभी उसमें टाइम नहीं दे पा रही थी बीच में, मतलब नहीं दे पा रही हूँ, पर मैं करती हूँ, वो भी करती हूँ, सपोर्टिंग टीम में भी हूँ। इनफैक्ट उसमें हम लोग पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे काम करते रहते हैं जिसमें टीम डेवलपमेंट के लिए अपनी भागीदारी आवश्यक होती है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजों का मूल्यांकन करना बन जाता है सहज रूप से। हाँ भैया उसमें भी जैसे मैं सपोर्टिंग टीम में मतलब सुनती हूँ मैं, तो उसमें से भी काफी हेल्प मिलती है कि ज्वाइन कर लिया तो काफी मतलब समझने के लिए और काफी चीजें, और इस बार मैं UHV भी ले रही हूँ, UHV 2 अपने कॉलेज में, तो उसका भी कुछ मतलब बेनिफिट मिला है मुझे थोड़ा बहुत, मतलब पूरा तो अभी नहीं कह सकती कि मैं पूरा चेंज हुई हूँ, लेकिन फिर भी काफी मतलब चेंजेस मुझे अपने आप में ऑब्जर्व करने पे पता चलता है कि हाँ मैं मतलब चेंज हुए हैं कुछ अपने अंदर। बिल्कुल बहुत बढ़िया दीदी, बढ़िया, शुभकामना दीदी। धन्यवाद भैया। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। मेरा क्वेश्चन जो कल स्लाइड दिखाया था ना, और तो ये क्वेश्चन है कि जैसे हमने पहले आपने बताया था कि जैसे एटम जो है वो स्मॉलेस्ट ऑर्डरली सिस्टम है, वैसे ही हमारे सेल्फ का ये एक ऑर्डर सिस्टम है, जैसे इमेजिनेशन B1 B2 ब्लॉक है, तो बीइंग अ सिस्टम मतलब हमारे ऐसे क्यों होता है कि इमेजिनेशन तो चल रही है ऑलरेडी, वो मतलब हमारा अवेयरनेस और इमेजिनेशन सिंक्रोनाइज्ड नहीं है और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्यों चले जाते हैं, कि हमें मतलब अवेयरनेस क्यों नहीं रहती? वही इस पे जो हम लोगों ने जो समस्याओं की बात की थी उसमें एक इशू ये भी था कि ध्यान यहाँ से वहां भटकता रहता है, तो देखिए हमारा ध्यान वहीं जाता है जहां हमको सुख लगता है, तो जहां हमें सुख लगता है वहां हम ध्यान देते हैं, है ना, हमें सुख कहाँ लग रहा है इसके प्रति अवेयर होना जरूरी है। तो अभी हो सकता है कि बहुत सारी चीजों में हमें सुख लगता है, अभी हमें ये स्पष्ट नहीं है कि सही समझ सही भाव से ही सुख है, तो ज्ञानेंद्रियों से जो सूचना मिलती है हमको शब्द स्पर्श रूप रसगंध, है ना, उसमें कई जगह हम फंसे हुए रहते हैं सुख की आशा में, वैसे दूसरे का ध्यान पाकर दूसरे से सम्मान पाकर सुखी हो जाएंगे इसमें भी हम कई जगह से फंसे हुए रहते हैं, तो अल्टीमेटली वो हमारी ही फसावट है, हमको धीरे धीरे स्पष्ट होगा कि मेरा ही अपना निर्णय होता है जिसका नाम उलझ जाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ठीक है, उसमें परेशान नहीं होना है, जब भी ध्यान कहीं बाहर की ओर जाता है हम से एक बार अपने आप में ध्यान दे लें कि हाँ ध्यान कहीं बाहर की ओर चला गया है, उसे ठीक दिशा में ले आना है, अपने भाव के प्रति स्पष्ट होना है, अपने भाव के प्रति सजग होना है, तो ध्यान वापस लौट कर चला आएगा। जी मतलब जैसे आपने वो नदी की एग्जांपल दी थी ना कल, जी तो ऐसे मतलब नदी के बीच का जो इमेजिनेशन है वो भी
सेल्फ ही है, और जो मतलब दृष्टि ऑब्जर्वर है वो भी सेल्फ है, और जो ऑब्जर्वेशन है वो भी सेल्फ ही है, ऐसा हाँ। है क्या? तो फिर मतलब ये अलग कैसे हो जाते हैं? तो मैं अपनी क्रियाओं को देख सकता हूँ, चैतन्य क्रिया को देख सकती है। तो ये भाव भी मेरे अंदर है, विचार भी मेरे अंदर है, और देखने वाला भी मैं। तो अभी हो सकता है कि जहां से हम शुरू करते हैं तो एक विचार दूसरे विचार को देखता है ना, एक क्रिया जो ब्लॉक B2 की वही दूसरे क्रिया को देखती है। पर यह भी संभावना है कि ब्लॉक B1 से हम देख सकते हैं। तो जब हम एक शुद्ध दृष्टा के रूप में देख रहे होते हैं है ना, तो हम फिर अपने अंदर जो चिंतन बोध अनुभव की क्षमता है वहां से हम देख पाते हैं। तो उसको एक्टिवेट करना धीरे धीरे कि हम शुद्ध दृष्टा बन जाए, फिर हम विचारों में बहेंगे नहीं, भाव से प्रभावित नहीं होंगे, उसको देख पाएंगे। जी, मतलब अभी हम उसको देखते देखते ही उसके साथ बह जाते हैं। हाँ, अभी तो बह जाते हैं क्योंकि वह उलझे हुए हैं, तो फिर बाकी क्योंकि इमेजिनेशन अपने आप चलती रहती है। जी जो मतलब जो इमेजिनेशन कॉन्टिन्यूसली चल रही है वो किसी अपने आप चलती रहती है। और क्या, इमेजिनेशन चलता रहता है, हम उसमें बहते रहते हैं। करने का काम ये है कि हम उसे देख पाए दृष्टा भाव के साथ। जब देखना शुरू करते हैं तो एक तो जो चल रहा है वो स्पष्ट होता है, और दूसरा अगर अनावश्यक चल रहा है तो धीरे धीरे मूल्यांकित भी होने लगता है। जो आगे स्टेप्स में हम लोग बात करेंगे, मूल्यांकित भी होने लगता है। जी भैया, थैंक जी, यू। बढ़िया दीदी। तो एक इशू ये भी था कि जब कहते हैं कि कल्पनाशीलता कहीं और चली गई तो कहाँ जाती है? आपने कहा कि कल्पनाशीलता हमेशा चलती रहती, तो फिर इसके वापस आने का क्या अर्थ हुआ? कहाँ से वापस आई? तो ये बात हुई थी कि कल्पनाशीलता जो निरंतर चल रही है वो ब्लॉक B2 में है, और जो देखने काम है शुद्ध दृष्टा के रूप में वो ब्लॉक B1 से हम कर रहे हैं। तो जब आप अपनी कल्पनाशीलता को देखना बंद कर देते हैं, अपनी सजगता खो देते हैं, उससे आपको लगता है कि आपकी कल्पनाशीलता चल ही नहीं रही है। उदाहरण के लिए इच्छा विचार के नदी के जैसे है आपकी कल्पनाशीलता। तो जब आप इस कल्पनाशीलता को इस प्रकार देखते हैं कि मानो आप नदी किनारे खड़े हो, तब आप इसे साफ साफ देख पाते हैं शुद्ध दृष्टा के रूप में ब्लॉक B1 के द्वारा। लेकिन जब आप नदी में कूद जाते हैं और कल्पनाशीलता के साथ बहने लगते हैं, तो आप इसे ठीक ठीक नहीं देख पाते, कई बार तो बिल्कुल भी नहीं देख पाते, बेहोशी में चले जाते हैं। तो ये सजगता हमारे अंदर हर क्षण बनी रहे है ना, क्योंकि हम उसको कूद न जाए। हमको कोई विचार भी कर रहे हैं तो दिखाई दे कि मैं इस मुद्दे पे विचार कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दे रहा हूँ, है ना। कई बार जब मैं अपनी कल्पनाशीलता को देखने का प्रयास करता हूँ तो मैं इसे थोड़ी देर देख पाता हूँ, उसके बाद ऐसा लगता है कि सब ब्लैंक हो गया है, कल्पनाशीलता में कुछ भी नहीं चल रहा है। तो जैसे कि पहले भी चर्चा हुई, कल्पनाशीलता B2 ब्लॉक में चलती है, जबकि इसको देखने का काम B1 ब्लॉक से होता है। यदि B1 ब्लॉक पूरी तरह से एक्टिवेटेड नहीं है और आप B1 के ऑब्जर्वेशन के बिना ही विचार चला रहे हैं, तब ऐसा लग सकता है कल्पनाशीलता में कुछ चल ही नहीं रहा, एक संभावना तो है। दूसरी संभावना यह है कि जब आप अपनी कल्पनाशीलता को देख रहे हैं और आपको कुछ ऐसा दिखता है जो कि आपके लिए काफी डिस्टर्बिंग है, आपको असहज करने वाला है, तो आप बिना अवेयरनेस के उसे रोक देते हैं और उस क्षण के लिए आप ब्लैंक हो जाते हैं। अगले क्षण फिर कल्पनाशीलता काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तो बस आप अपनी कल्पनाशीलता को देखते रहिए बिना मूल्यांकन किए, बिना रोके बदले, बिना प्रतिक्रिया किए। तो ये सारी संभावनाएं हैं, है ना, इनको हम ध्यान देंगे तो दिखाई देगा। तो हमारे अंदर चल तो रहा है, परंतु या तो अपनी सजगता खो देते हैं या उससे हम परेशान हो जाते हैं तो लगता है कि ब्लैंक हो गया, या हम कुछ फोर्सफुली देखने का प्रयास करते हैं तो भी लगता है कि ब्लैंक हो गया, कुछ तो दिख नहीं रहा। तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि भाई फोर्सफुली देख रहे हैं कुछ दिख नहीं रहा, भाई क्या चल रहा है तो कुछ दिख नहीं रहा, हर बार अपने आप से प्रश्न करें कुछ दिख नहीं रहा, तो उसमें भी उस परेशानी में चले जाते हैं। बट ये देखिए कि परेशानी भी आपके अंदर ही चल रही है और आप परेशान हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है, तो उसको देख लें कि परेशानी हो रही है मेरे अंदर, वो भी कल्पनाशीलता में ही है। जी, तो इस क्षण मुझ में जो कल्पनाशीलता चल रही है मैं उसे देख रहा हूँ।
इस षण्मुज में जो भी इच्छा विचार आशा चल रही है मैं उसे देख रहा हूँ, खासकर मैं अपने भाव इच्छा को देखने का प्रयास कर रहा हूँ। इस क्षण स्वयं में चल रही कल्पनाशीलता को देखें, जैसा चल रहा है वैसा, बिना मूल्यांकन किए, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना उसे रोकने का प्रयास किए, बिना बदलने का प्रयास किए। यदि आपकी कल्पनाशीलता बिना आपके अवेयरनेस से कहीं और ड्रिफ्ट हो जाती है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को नोटिस कर लें कि आपकी कल्पनाशीलता ड्रिफ्ट हो गई है। यह निर्णय को बनाए रखें, मुझे अपनी कल्पनाशीलता को देखना है। ध्यान वापस आ जाए तो इस कल्पनाशीलता में जो कुछ भी चल रहा है उसे देखें बिना किसी प्रतिक्रिया की। तो ये काम स्टेप पॉइंट में हम अभी कर रहे हैं। अभी हम लोग ऐसा करते हैं, 10 मिनट इसको करते हैं अपने आप में। कुछ हैंड्स रेज्ड हैं, उस पर हम लोग प्रश्न को लेंगे। तो अभ्यास एक के स्टेप वन में अपने को मूलतः इतना ही करना है कि बिना प्रतिक्रिया किए, बिना बदले, बिना परेशान हुए, है ना, बिना उससे प्रभावित हुए, बस जैसा है उससे वैसा उसको देखना है। जी जी, तो अभी हम लोग 10 मिनट इसको करेंगे। अभी 7:10 हो रहा है, 7:20 तक करेंगे, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे।
बढ़िया। जिनका कोई ऑब्जर्वेशन हो वो शेयर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हो, कोई प्रश्न हो हैंड रेज कर सकते हैं। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। जी नमस्ते भैया। मैं अभी ये देख पा रही थी, है ये कल से ही प्रश्न जुड़ी हुई है मेरी, पर यही देख पा रही थी कि जैसे मेरी थॉट्स बिल्कुल भी रुकी हुई थी, जैसे जबरदस्ती सोचने में लग रहा था कि अभी क्या चल रहा है, तो उसको ढूंढना पड़ रहा था मुझे ऐसे लग रहा है, तो कल्पनाशीलता में इतनी मतलब कि धीरे हो गई कि कुछ चल ही नहीं रहा ऐसे लग रहा था मुझे। और भैया उसमें फिर धीरे धीरे बहुत चेकिंग के बाद जैसे मुझे लग रहा है कि क्या चल रहा है, तो कल की जैसे थोड़ा कुछ मुझे याद आया कि भैया जैसे आप समझाते हैं और उसको मैं सुनते रहती हूँ, जैसे अभी कल्पनाशीलता की बात हो रही थी दीदी से आपकी, जैसे उसको मैं चेक कर रही थी कि कल्पनाशीलता में जब चल रही थी पहले, जैसे मेरे को भी बहुत स्पीड से ऐसे जैसे पानी की तरह की वो चलती जा रही, उसको पकड़ने की कोशिश करती थी मैं। अब जैसे वो सुन सुन के जैसे मुझे भी यही आ रहा है कि उसको सीधा सीधा बस मैं देखते रहती हूँ, ना तो उसमें कोई प्रतिक्रिया करती हूँ, ना ही कोई उसमें एक्साइटमेंट देती हूँ, ना ही मुझे उसको कोई पकड़ने की वो लगती है, देखिए जैसे चल रहा है उसको चलने दो। जैसे कल्पनाशीलता से मैं निकल जाती हूँ कहीं, मुझे लगता है कि मैं अब यहाँ छूट गई हूँ, कहीं और चली गई, लगता है कि वापस जा गई, ठीक है कोई बात नहीं, फिर वहीं से शुरू कर लेते हैं। मतलब डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं है और बहुत एकदम शांति और चैन आ गई जैसे बहुत ज्यादा। और भैया जब आप समझा रहे होते, कोई शेयरिंग कर रहे होते, उसको भी मैं ध्यान से सुन रही होती हूँ, तो यही हो रही थी क्योंकि जैसे वो आंसर अंदर से आ रही होती है और मैं उसको सोच रही होती हूँ और साथ साथ जैसे आप आंसर उसको दे रहे होते, तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे अरे ये बिल्कुल जैसे मिरेकल होता जा रहा है। तो ये भैया बहुत एकदम जैसे बहुत चैन आ रही है और बहुत सुकून इसमें मतलब फील होती है मेरे को। इस चीज को भैया बहुत ध्यान से मैं देख पा रही हूँ और शेयरिंग रखनी थी। थैंक यू भैया। बढ़िया दीदी, बढ़िया। अब आप कंसिस्टेंटली सुबह के सत्रों का अटेंड करती रही हैं, तो जो अब कंसर्न्स आते हैं या जो प्रश्न आते हैं उसमें भी आपको पहले से उत्तर मिलने लगता है, एक बहुत बढ़िया बात है। जी भैया, जो कोई भी शेयरिंग कर रहे होते हैं वो आंसर ऑटोमेटिक मेरे अंदर से वो जैसे एकदम क्रिएट होते ही जा रही है एकदम इमीडिएटली, वो प्रश्न रखने से पहले। और जैसे आप समझा रहे होते हो तो वो एकदम आंसर एकदम टक्कर खाती है, जैसे अरे भैया ने वही बोल दिया जैसे मैं सोच रही हूँ वो आ रहा था, तो ये लगता है कि अरे मतलब थॉट लेवल इतना ज्यादा, वो फ्रिक्वेंसी इतनी वो हो गई है जैसे, तो उसमें भैया बहुत गहराई जैसे अपने डीप, उसको एक अवेयरनेस के अंदर भी जैसे एक अवेयरनेस और दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे अभी और क्या करना है इसमें और कैसे करना है, यहाँ पे ऐसा क्यों प्रॉब्लम आई, उसमें डिस्टर्बेंस बिल्कुल खत्म हो गई है। तो उसको देख रही हूँ ध्यान से कि इसमें और कहाँ पे और बेटर कर सकते हैं, किसी की हेल्प करना है या कुछ करना है, जैसे मतलब सोल्यूशन की तरह उसको देखने जा रही हूँ, उसमें डिस्टर्बेंस मुझे बिल्कुल खत्म हो रही है। तो ये भैया बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको कल लिख भी रही थी, मैंने कहा भैया जो आंसर दे रहे हैं और वो मेरे अंदर से ऐसे आता जा रहा है ऑटोमेटिक, ये तो एक लग रहा है कि मिरेकल होता जा रहा है। बहुत बढ़िया दीदी जी। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते। हाँ जी सर, जैसे इमेजिनेशन की बात है तो वहां पर सेल्फ जो अपनी भागीदारी निभा रहा है, एक तो अपने आप में भागीदारी हम निभा रहे हैं बॉडी और सेल्फ में, और सबसे ज्यादा हम लोगों को जो अदर पर्सन है उनके साथ भी ये भागीदारी निभानी है ताकि वो हैप्पीनेस अपने में तो कंटिन्यू बनी रहे पर संबंधों में भी वो कंटिन्यू बनी रहे। बस ये जो प्रयास है तो ये प्रयास में मेरे को ऐसे लग रहा है उसमें अगर हम अपने आप में सफल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हम संबंधों में भी उस हैप्पीनेस और हार्मनी को कोएक्जिस्टेंस को बना पाएंगे। तो ये मॉर्निंग सेशन है, मॉर्निंग में तो जो भी एक बार माइंड में चला जाए तो बहुत अच्छे तरीके से फील्ड अप हो जाता है। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है अभी तक जो भी फेस वन, फेस टू और फेस थ्री में, तो जब भी इमेजिनेशन में बैठती हूँ पहले तो मेरा जो भी विचार बनते हैं वो यूएचवी के लिए बनते हैं कि मेरे को कंटिन्यूसली हैप्पीनेस चाहिए। तो हम अगर दुनिया में आए हैं तो अगर हम भी हमारे में ही हैप्पीनेस और हार्मनी खुद में नहीं है
तो हम दूसरों के साथ कैसे संबंध सहसंबंध बनाए रखेंगे। तो इस भागीदारी में पहले अपनी भागीदारी में, फिर हम परिवार की भागीदारी में, तो ऑब्वियसली वो एक जो साइकिलिंग है वो कंटिन्यू रेडी होने के लिए भाई ऐसी प्रिपरेशन रेडी हो रही है। तो इसमें ऐसे लगता है कि सेल्फ का बहुत ज्यादा जो भागीदारी निभानी है उसी के ऊपर हमें वर्क करना है, और उस वर्क से ही हमें सहसंबंधों को भी सही बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहना। तो ये जो भागीदारी का जो वर्ड है उस वर्ड के ऊपर मेरा बहुत फोकस गया कि हमें अपने आप में तो हार्मनी बनाए रखनी है, क्योंकि हर आदमी हैप्पीनेस के लिए तो भाग रहा है। अगर वो पैसे के लिए भाग रहा है तो भी उसको खुशी चाहिए, निरंतर खुशी के लिए ही तो वो पैसे के लिए इधर उधर हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है। पर अगर वो सेल्फ को ही खुश नहीं कर पा रहा, जो बाहर की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से वो सेल्फ को ही नहीं खुश कर पा रहा, तो ठीक है वो एक्सटर्नल जो प्रोस्पेरिटीज है उसके लिए थोड़ी देर के लिए तो खुश होता है, पर जो हमारी अपने लिए भागीदारी है वो हैप्पीनेस को कंटिन्यू करना और उस हैप्पीनेस को दूसरों के साथ भी बनाए रखना, ये सबसे बड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि वर्क और प्रयास होना चाहिए हम लोगों का, सबका ही होना चाहिए। पर मेरा तो अभी स्टार्टिंग है कि UHV 1 में तो हम कंटेंट ही समझ पाए, फेस टू फेस में हम बहुत सारी एक्सरसाइज करी, उसमें हमने प्रैक्टिस करा, पर फेस 3 तो सबसे ज्यादा ऐसे मेरे लिए फायदेमंद रहा कि बहुत कुछ सीखने को मिला, चाहे चलो देर से मिला तो सीखे तो सही, हम बहुत समझे, अपने आप को ही तो समझना आया, वो जानना, वो इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को UHV 3 में मिली, तो वो शायद ये सबके लिए बहुत जरूरी है कि UHV 3 जो है, जो 3 महीने का ये जो एक हम लोग इसमें भागीदारी निभा रहे हैं, और इसलिए उसमें मेरे को तो बहुत हैप्पीनेस लगता है, मैं तो बहुत खुश हूँ। कल भी जो कंटेंट चला वो बहुत ही बढ़िया रहा, सारा शुरू से लेकर आखिर तक भी, और आज का भी जो कंटेंट है कि सेल्फ को हमने कैसे अपलोड करा, और जो मेरे से पहले मैम ने पैसे और उसके लिए जो बात करी तो वो तो कंटिन्यू थी। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल बन के फैमिली में खड़े हो रहे हैं ना, तो उस एग्जाम्पल से पूरा फैमिली में फर्क अंतर नजर आ रहा है, मेरे को तो नजर आ रहा है, मेंबर्स में भी नजर आ रहा है और मेरे पार्टनर्स में भी, बहुत बढ़िया दीदी। थैंक यू सर। मेरा जो मेरे को मैं जान पाई हूँ वो सही है जी? जी ठीक चल रहा है। हाँ जी, तो इसके लिए क्रेडिट तो UHV और आपको ही जाता है जी, भागीदारी पे ध्यान जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी 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 सर जी। तो गृह कार्य के रूप में जो अभी तक हम लोग चर्चा करते रहे उसी को लेकर गृह कार्य भी है, तो अपनी कल्पनाशीलता को देखें, इसको निरंतरता में करने की कोशिश करें, हर क्षण आपका ध्यान कितनी देर अपनी कल्पनाशीलता पर बना रहता है, आपकी कल्पनाशीलता किसी एक विषय पर ही चलती है या एक से दूसरे विषय पर शिफ्ट होती रहती है, यदि आपका ध्यान कहीं और चला जाता है तो कहाँ जाता है, आप किन चीजों पर ध्यान देते हैं, क्या अपने ध्यान की वस्तु को खुद ही अपने अवेयरनेस से तय करते हैं या अवेयरनेस के बिना ही तय होता रहता है, तो अपनी कल्पनाशीलता में चल रही इच्छा विचार और आशा को अलग अलग करके देखने का भी प्रयास करना है। तो यहाँ से हम शुरू करें, कल्पनाशीलता को हमने देखना शुरू किया, नहीं दिखाई दे रहा है तो विचार को देखना शुरू किया, उसके पीछे भाव को देखा, फिर भाव और विचार के साथ पूरी कल्पनाशीलता को देखा, फिर उसमें इच्छा विचार आशा को भी अलग अलग करके देखा, और जो भी आप देख पा रहे हैं उसको अपने जर्नल में नोट करते हुए चलना है। तो ये गृह कार्य है स्टेप 1 को लेकर। तो हम लोग UHV 3 में जहाँ से लेक्चर 1 शुरू किए, तो हमने मानव के बारे में, अस्तित्व के बारे में जितने भी तक चर्चा हुई थी UHV 2 में उतने को लेकर उन्होंने डिस्कशन किया, फिर उसके बाद हमने ये अभ्यास शुरू किया और उस अभ्यास को हम करते जाएंगे। एक तरफ से हम मानव और अस्तित्व को समझने का प्रयास करते रहेंगे, दूसरी तरफ से अपनी सजगता को बढ़ाने के लिए ये अभ्यास भी करते रहेंगे, ताकि हम शुद्ध दृष्टा के रूप में जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देख पाए। जी समय तो हो चला है, कुछ हैंड्स टेल्ड हैं थोड़ी देर से,
बहुत ही ब्रीफली अगर आप प्रश्न को ले सकें तो ले लेंगे। जी नमस्ते भैया। जी नमस्ते जी। ये जो 10 मिनट का अभ्यास किया हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा इसमें एक्चुअली मैडम बोल रही थी कि मैं सब कुछ सुनने देख पा रही हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ अलग ही हो रहा। जब भी मैं अपनी कल्पनाशीलता में जाता हूँ तो मेरे दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट कल्पनाशीलता में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि युद्ध हो रहा हो आपस में। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा? कल इस पे बात करते हैं, है ना? जी 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 धन्यवाद। बढ़िया भैया। यशवंत भैया फिर हम लोग कोई अनाउंसमेंट आपको करना हो तो कर लें, तो मीटिंग को रोक लेते हैं। जी जी भैया, चैट बॉक्स में दो मैसेजेस है। एक तो मतलब जो एफडीपीज अरेंज किए इन द मंथ ऑफ द मे, देर आर 4 एफडीपीज, उसमें से 3 इंट्रोडक्टरी है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और एक हिंदी में होगा 5 डेज। और उसी तरह से एक इंग्लिश में UHV 2 एफडीपी होगा 6 दिन का, तो उसकी लिंक चैट बॉक्स में पुटअप की जा चुकी है। तो हम में से जो साथी उनको ज्वाइन करना चाहते हैं या लिंक शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और उसी तरह से दूसरा मैसेज ये है कि जो सारे असाइनमेंट्स वगैरह जो व्हाट्सएप ग्रुप में पुटअप किए जाते हैं उसकी लिंक भी है, तो जो जिन साथियों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया होगा उसे कृपया ज्वाइन करें। तो सभी को धन्यवाद। भैया क्या हम रुक सकते हैं आज के लिए? जी भैया, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। नमस्ते, सभी को नमस्ते।